रावण आ रहा है दोस्तों माता सीता का हरण करने के लिए। ये आप देखिए बीच में जो है वो लक्ष्मण रेखा है, माता सीता अंदर है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। वेलकम है आज आपके इंडोनेशिया बाली के अंदर। अभी राइट नाउ हम बाली में एक होटल पे रुके हैं जिसका नाम है फोर पॉइंट होटल। एंड अभी राइट नाउ हम जा रहे हैं उल्लुवाटू टेंपल, जो हिंदू टेंपल है। यहाँ पे जो देवी देवताओं की जो पूजा करी जाती है, हमारे बाली महाराज जो रामायण के अंदर जो बाली महाराज की जो बाली और सुग्रीव की जो फाइट आती है, वो फाइट यहीं पे लड़ी गई थी, वो युद्ध यहीं पे हुआ था। यहाँ के सभी लोगों का मानना है कि वो युद्ध राम भगवान खुद यहाँ पे आए थे, और आज उसको माध्यम रखते हुए आज हम उसी जगह पे जा रहे हैं, उल्लुवाटू टेम्पल, जिसका इतिहास बहुत ही सुंदरमय है। तो अभी पायल भी मेरे साथ रेडी है। तो अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो तो आपको मैंने बता दिया, पर जिसके माध्यम से जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट नाउ यहाँ पे कहते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो यहाँ का बाइक राइडिंग बहुत ही अमेजिंग रहता है, तो हमने आज स्पेशल बाइक राइडिंग बुक करवाया है। तो चले मेरे साथ स्टार्ट करते आज की जर्नी, यहाँ से बने रहना और अंत तक देखना, बराबर पायल? तो चले दोस्तों बने रहिए, अभी हम जा रहे हैं बाइक से, अभी बाइक रेडी है। ओके चलो स्टार्ट। ये ड्राइवर साहब आ चुके हैं। हेलो, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। यहाँ व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज वाहयु। वाहयु वाहयु, अच्छा वो खाना वाहयु होता वो नहीं है ना? पायल नहीं नहीं आप मेरी बात समझ सकते हो? आई एम टेलिंग यू अबाउट योर लैंग्वेज, यू नो इंग्लिश लिटिल लिटिल, ओके। आप भी मेरी तरह ही हो, मैं भी दोस्तों लिटिल लिटिल इंग्लिश बोल सकता हूँ। दिस वन गाय स्पीक जावा, हां स्पीक जावा, विक जावा, यू आर सेंडिंग योर बाइक, या ओके वेरी नाइस। तो मेरे साथ बाइक आ चुकी है, अभी गाड़ी योर ओके ओके वाहयु वाहयु वाहयु, वो जो खाना वाहयु होता है ना, वाही खाना होता है ना, शाहरुख खान, वो हमारे गुजराती में शब्द है वाही, शाहरुख खान, या शाहरुख खान, दिल जले नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या नाइस सॉन्ग, या सिंग, या गुड गुड गुड। तो चलिए दोस्तों अभी हमारी दुल्हनिया लेके जा रहे हैं। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। बाइक को मजा आ गया, मजा आ गया। कहाँ पे है बाइक हमारी? ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू, यू आर वेलकम। दोस्तों अभी हमने बाइक एक दिन के लिए बुक करी है। बाली के अंदर ये सबसे बड़ी मान्य ये खासियत है कि आप जब भी आते हो कपल में जो आते हो तो बाइक राइडिंग जरूर कीजिए एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए आज मुझे बाइक राइडिंग करने का सौभाग्य मिला है तो पायल के साथ चलिए। और इसकी जो कीमत है एक दिन की, उसकी कीमत है 1,00,000 रुपया। बार्गेनिंग करवाया था थोड़ा, वो 1,25,000 कहते थे, बट मैंने 1,00,000 रुपये की नोट मेरे हाथों से जा रही है, बहुत दुख हो रहा है। वहाँ पे इंडिया में 1,00,000 में तो बाइक आ जाती है नहीं, अब यहाँ पे एक दिन का भाड़ा है। क्या करूँ, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है भाई, पैसा जाता है तो। थैंक यू, ओके, योर सेफ ड्राइव, माय सेल्फ। जो मैंने अभी हेलमेट पहना है, वैसे तो ड्राइवर तो हेलमेट पहनता ही है, पर साथ साथ में को ड्राइवर को भी हेलमेट पहनना पड़ता है, ये कंपलसरी है, वरना आपको यहाँ की पुलिस आपको पकड़ लेगी। और ये पुलिस तो चलो ठीक है, बट हमारी सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी बात है, तो नो प्रॉब्लम। अभी चलिए हमारी जर्नी को यहाँ पे शुरू करते हैं। पेट्रोल इज फुल, पेट्रोल टू हंड्रेड, टू लेटर, टू लेटर। चलिए मेरे साथ, अभी हम जा रहे हैं उल्लुवाटू टेम्पल। अभी ट्रैफिक बहुत जाम हो चुका है, और जैसे हमारे पास बाइक है तो बहुत इजी रहता है साइड से क्रॉसिंग करने का, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ से उल्लुवाटू टेम्पल ऑलमोस्ट 30 मिनट का रास्ता बता रहा है, 30 मिनट। तो चलिए अभी हमारी सवारी निकल चुकी है, पेट्रोल डलवाना है तो पेट्रोल भी डलवा देते हैं। यहाँ थी ना, देखो
Your eyes is very beautiful. अभी हम पेट्रोल पंप की लाइन पे खड़े हैं और यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं कहा जाता है, यहाँ का नाम है पैट मैक्स। यहाँ का पेट्रोल पंप का नाम है पैट मैक्स, क्योंकि पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं कहा जाता, पैट मैक्स कहा जाता है। और बराबर ना, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम जब बाइक पे निकले तभी हमें पता चला। चलिए थोड़ी लाइन है, कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है। और यहाँ पे कितना महंगा है पेट्रोल वो भी मुझे कुछ पता नहीं है, आपको पता है कुछ? फर्स्ट टाइम हम विदेश में। अभी आगे आगे जाके मैं बता दूंगा। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उलुवाटू टेंपल। और चलिए, रास्ता बहुत ही अच्छा था, नेचर था, और रास्ते में जो हरियाली देखने को मिली है अनबिलीवेबल दोस्तों। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही मस्त है। डोंट वरी, अभी हमारे एक सिस्टर ने फोन पकड़ के रखा है। चलिए यहाँ का जो मंदिर का जो वास्तविकता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू देखिए। थैंक यू। और यहाँ का जो धर्म की जो रक्षा है बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के लोग इसलिए ज़्यादातर खुश रहते हैं क्योंकि वो भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान को मानते हैं। बस यही हमें सीखना है कि हमारे धर्म की हमें रक्षा करनी है, हमारा सनातन धर्म। अभी हिंदुस्तान का वर्ड ही ऐसा है कि हिंदुत्व के नाते हमें कुछ करना चाहिए, हमारी भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे पास तो लॉट्स ऑफ भगवान है, गॉड्स है, आई नो, बट यहाँ पर आके मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड गणेशा, गॉड्स भगवान, गॉड शिवा, गॉड ब्रह्मा, गॉड विष्णु, यार अनबिलीवेबल, आई रियली रिस्पेक्ट यू। चलिए देखते आगे। जो आपने फुल पैंट पहना है तो आपको सिर्फ यही बांधना है, केसरी कलर का ही पट्टा। और आपने जो हाफ पैंट पहना है तो ये आपको जामली कलर का पट्टा बांधना पड़ेगा। तो यस ऑफ कोर्स पे टिकट लेना पड़ेगा, टिकट चार्ज और टाइमिंग आपको दिख रहा है, 2 पर्सन का 1,00,000 रुपया है, बराबर भगवान का दर्शन करने के लिए। आगे नहीं बोला था मैंने कि मतलब बाउल यूज करें ना, खाली बाउल, तो भी हमें पैसा देना पड़ेगा, पैसे की बहुत कीमत करो। दोस्तों मंदिर में हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं, खास तौर पे हिंदू टेंपल पे, हिंदू मंदिर पे, तो खास तौर पे विदेश में भी ये सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ पे भी शॉर्ट कपड़े अलाउड नहीं है। आपको शॉर्ट कपड़े पहन के आना है तो आपको दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे आपने आगे देखा कि सभी लोगों को वो शॉर्ट कपड़े जो पहने थे तो उसको कवर अप करना पड़ेगा, और जो आपने फुल कपड़े पहने हैं तो यहाँ पर आपको इस केसरी कलर का जो झंडा मिल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो सनसेट का जो नजारा है वो एक बार देखिए आप। वहाँ पे काफी सारे लोग जो व्यू देखने के लिए बैठे हैं, वो सनसेट व्यू, और साथ साथ में वहाँ पे साउंड शो भी है, वो भी देखने के लिए बैठे हैं। तो चले कोई बात नहीं, पहले हम भगवान का दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। चलिए मेरे साथ, चलो पायल। दोस्तों यहाँ पे बंदर बहुत ही है और फ़ोन का ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि बंदर फ़ोन अभी एक भाई का तो लेते लेते बच गया है, कब खींच ले पता नहीं चलता, वो ख्याल रखना पड़ता है। चलिए अभी भगवान का दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी शूज बाहर निकाल दे, मैंने देखा यहाँ कोई निकालता नहीं है, क्यों ऐसा है पता नहीं, लेकिन हम निकाल देते। चलिए ए भोलेनाथ, अभी ये कपल यहाँ पे भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। वहाँ पे है मंदिर, ड्राइवर था उसने बताया था कि अभी न्यू रूल बना है
कि अभी अंदर अपन लोग टूरिस्ट लोग नहीं जा सकते क्योंकि लोग अंदर जाके टूरिस्ट वो सब कुछ तोड़ देते हैं इनका सारा मंदिर वगैरह, इसलिए तो उन्होंने अभी न्यू रूल बनाया तो अपन लोग अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, टूरिस्ट सिर्फ बाहर, हाँ सिर्फ बाहर बाहर ही घूम सकते। अच्छा, तो अभी भाई ने अभी मुझे एंट्री नहीं करने दिया है क्योंकि बहन ने अभी बताया जिस हिसाब से कि लोकल पर्सन को अलाउड है, बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है। चलिए, ये भी सबसे बड़ी हमारे लिए दुखद बात है क्योंकि हम ही लोग यहाँ का जो धर्म है उसको तोड़ देते हैं, उसकी जो भी कुछ मान्यता है, उसके मंदिर के अंदर जो भी कुछ रखा होता है तो वो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों ने रूल्स नया बना दिया है। डोंट वरी, बाहर से दर्शन कर लेते, वैसे भगवान अंदर है तो बाहर भी होंगे ही। बराबर, सही कहा। तो चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं आज, सोशल मीडिया आश्रम पूरे विश्व के अंदर फर्स्ट ऐसा आश्रम बन रहा है जहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग नहीं बट करोड़ों लोगों का साथ और सहयोग है, ईश्वर की कृपा है, और ऐसे ही कृपा की वजह से वहाँ पे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो बन रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे और उनके लिए एक नया जीवन, एक ऐसा जगह जहाँ पे उनकी जीवन की जो भी कुछ जरूरियात है वहाँ पे हम पूरी कर सके। वैसे हर कोई व्यक्ति भगवान हर एक के दिल में बसा होता है, ये भगवान से ही प्रार्थना करेंगे हर एक को तंदुरुस्ती दे, तन मन धन से हमेशा तंदुरुस्त रखे, और जिस भी भगवान की हम आस्था रखते हैं बस ऐसे ही हर एक भगवान हर एक सपोर्ट, हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। थैंक यू। अंदर ये हमारे पूर्वज थे जिनके हम आज रिस्पेक्ट करते हैं। ये देख के मुझे स्वर्ग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई। वाह दोस्तों, ये देखिए नजारा, मेरे बाल की सुंदरता का है ना, उसकी वजह है ये जो हमें ये दिखाई देता है। तो वहाँ पे आपको जो स्टेचू दिख रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी का स्टेचू आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखिए ये ब्यूटीफुल नजारा, अनबिलीवेबल। देखिए ये फोन ले लिया है भाई ने, और ये पता नहीं क्या करेगा फोन के साथ। ये बंदर को टॉपी फेंकने वाली बात हो गई। चश्मा ले गया, पहले हमारा नीचे ऐसे फोन था, एकदम से बगल मुझे कोई आदमी खींच रहा है। और अभी कितना लॉस हो गया आपका? 20,000। अभी इन फैमिली का फोन चला गया था, पहले चश्मा चले गए थे, अभी 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। बट डोंट वरी, Where are you from? Colombia. Colombia. Yeah. Nice place. Yeah. Thank you. तो दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट शो देखने के लिए आए हैं, बहुत ही अमेजिंग शो है। इनकी टिकट है 3,00,000 रुपया, फर्स्ट पर्सन 1% की टिकट है 1,50,000 रुपया, 2% की है 3,00,000 रुपया। आइए मजा आओ। इंडिया से हो ना आप? हम आपके साथ बैठ सकते हैं? या श्योर, क्योंकि इंडियन लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? राजस्थान। अच्छा, आप वहाँ पे? अच्छा, कोई और मिले थे राजस्थान से? तो दोस्तों अभी धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। तो दोस्तों शो चालू होने वाला है, और अभी आप देखिए पब्लिक कितनी सारी पब्लिक आ चुकी है। पात्रा का मजा लेते हैं। Yeah.
कितनी शांति है आप देखिए, सभी लोग ध्यान से देख रहे और अमेजिंग भगवान की आराधना कर रहे सभी लोग। और यहाँ की सबसे बड़ी हमारी हिंदुत्व की सबसे बड़ी खासियत यही है कि भगवान को प्यार से दिल से प्रे करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, मुझे भी बोलना अलाउड नहीं है, सभी लोग सामने देख रहे हैं। रावण आ रहा है दोस्तों माता सीता का हरण करने के लिए, ये आप देखिए। और ये पूरी रामायण का शो है अभी, और बीच में जो है वो लक्ष्मण रेखा है, माता सीता अंदर है। रावण आ चुका है और लक्ष्मण रेखा के कारण लक्ष्मण रेखा की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए वो देख रहा है कि मैं कहाँ से आऊँ। रावण वापस चला गया क्योंकि लक्ष्मण रेखा के कारण वो अंदर नहीं घुस पाया माँ सीता को देने के लिए। और अभी हनुमान जी आ रहे, हनुमान जी नहीं वो साधु का रूप लेके आएगा, रावण। हाँ वाव दोस्तों देखिए, ये महात्मा जी साधु जी का रूप लेके आए हैं माँ सीता को हरण करने के लिए। हरण करके ले गया है माता रानी सीता का। श्री गरुड़ जी आए हैं माँ सीता का रक्षण करने के लिए। माता रानी सीता को हरण करके रावण ले गया है और राम भगवान हनुमान जी से मिले हैं। ये पूरी रामायण यहाँ पे मुझे लाइव देखने को मिल रही है, जो कल्चर हम फॉलो करते हैं, जो रामायण को हमने रामचरित्र मानस जो आपने नहीं शायद पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, सब कुछ कल्चर यहाँ पे सेम एज इट है। यहाँ पे सभी लोग इतनी आस्था रखते हैं और यहाँ पे उलू वाटू में आके एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है मुझे, अनबिलीवेबल। जब मैं छोटा था तब भी मैंने देखा था कि रामायण के जो भी कुछ पात्र है वहाँ पे भी मैंने एक परफॉर्मेंस सब देखा था, और आज यहाँ पे आके मुझे देखने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। हमारे कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए और सेम कल्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो आप भी राम, जय श्री राम। यस दोस्तों, फाइनली हमारे राम भगवान तो हमें मिल चुके हैं। आज राम भगवान का जिसने कैरेक्टर निभाया वो अभी हमारे पीछे खड़े हैं, बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर था। और यहाँ पे जो पूरी वाटिका अभी महारानी सीता का जब से हरण हुआ था तब से लेकर रावण का वध हुआ वहाँ तक जो रामायण अभी देखने को मिली है, बहुत ही अद्भुत था। वैसे हमारे गुजरात में आख्यान आने के बाद तो वैसे रामा मंडल खेलते हैं, वही कल्चर, वही सेम स्टोरी, सब कुछ सेम। ये देख के बहुत अच्छा लगा, बाहर के देश में ये सब कुछ नज़ारा देख के। श्री राम, जय श्री राम। यस yes.